सिर्फ छक बनावान गुड़ने ते शक्ल जैसा कि एक मेंटालिटी क्या छ सिर्फ छ आसान किताबन से और आसान शक्ल बनावान। मेरा नाम जाकिया है, मैं वटमालू से हूं। मैं इस वक्त बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रही हूं विमेंस कॉलेज फर्स्ट सेम से। देखिए, मैं बचपन से पेंटिंग वगैरह करती थी, मुझे शौक था चीज़ें बनाने का या ड्राइंग करने का। फिर ड्यूरिंग लॉकडाउन या आर्टिकल के दौरान मेरा इसमें ज़्यादातर इंटरेस्ट बढ़ गया। मैंने यूट्यूब से सीखा या बहुत सी जगहों से सीखा, इवन मेरे पापा ने मुझे सिखाया वगैरह, तो मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, मैं इंटरेस्ट आ गई। तो 2020 से मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट की, जो फिर मैंने कमर्शियल बेसिस पे भी स्टार्ट की। तो आप जैसा कि आप कह रही है, आपके पापा ने आपको सिखाया कि उनको कैलीग्राफी आती है? उनको, हाँ, उनको असल में क्राफ्ट वगैरह या पेंटिंग वगैरह आती है, तो थोड़ा बहुत वो कैलीग्राफी में भी करते थे, ऐसी हॉबी थी उनकी, तो फिर उन्होंने मुझे भी सिखाया, लाइक इट्स काइंड ऑफ इनहेरिटेड। तो जैसे कि आप कह रही है कि मैंने लॉकडाउन में सीखा, तब आप किस क्लास में पढ़ते थे? 2020 में मेरा 10th था, मैं 10th क्लास में थी जब मैंने ये स्टार्ट किया। तो आपने बताया कि जैसे आपके दिल में ये शौक आया कोविड में जो थे, जब लॉकडाउन हुआ था तो जो हमारा यूथ है वो काफ़ी गलत चीज़ों की तरह मायल हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी कश्मीर के ऐसे उभर आए जिसको कहते हैं कांटों में फूल उभरना, उन्होंने जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं किया बल्कि ऐसी चीज़ों पर स्पेंड किया अपना टाइम जिससे वो आगे जाके अपना नाम बना सके। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहूँगी कि इंसान को खुद तक होता है, ये अच्छा है कि अगर हम अपनी एनर्जी अपना टैलेंट किसी अच्छी चीज़ में इस्तेमाल करें, ना कि बुरी चीज़ों में, ड्रग में इन्वॉल्व ना हो जाए, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपना जो हमें नुकसान पहुंचाती है। हमें चाहिए कि उन सब चीज़ों से दूर रहे और अच्छी चीज़ों का, अगर आप में कुछ है टैलेंट है भी नहीं लेकिन आप स्टिल कुछ सीखे कुछ करे लेकिन बुरी चीज़ों से दूर रहे। तो आप हमें बताए कि जो ही आपने स्टार्ट किया, आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा था? क्योंकि कश्मीर में कहा जाता है कि सिर्फ छुक बनावान गुड़ने तो शक्ल, जैसा कि एक मैंटेलिटी क्या छ सिर्फ छ आसान किताबन से और आसान शक्ल बनावान, तो आपको कैसा सपोर्ट रहा? मुझे लगता है सोसाइटी का काम ही है जज करना, लेकिन एज पर माई पेरेंट्स आर कंसिडर, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरे पापा, मेरी मम्मा, इस्पेशली मेरी बहन ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, तुम करो, तुम कुछ भी नहीं होगा लेकिन तुम करती जाओ, इंशाल्लाह तुम्हें इसमें अच्छा कुछ मिल जाएगा। तो मेरा अच्छा सपोर्ट। तो जैसा कि एक लोग कहते हैं कि कैलीग्राफी जो है आए दिन एक नया नया आर्टिस्ट आता, जी नहीं जी मैं कैलीग्राफी करता हूँ, ये बहुत ईजी काम है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहूँगी कि अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है, अगर आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कैलीग्राफी एक ऐसा वे ऑफ राइटिंग है, इसमें आपको परसिस्टेंस होनी चाहिए, इसमें आपको पेशेंस होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपने कलम उठाया और लिखा, नहीं, आपको इसमें तरीके पता होनी चाहिए कि कैसे लिखना है, क्या करना है, आपको सीखना है सब कुछ। तो आप बताइए कि एक आर्ट बनाने के लिए, जैसे कि आप किसी पेपर पे कुछ आर्ट बनाते हैं, उसको बनाने के लिए कितना समय लगता है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है? देखिए, कैलीग्राफी लिखने के लिए तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, डिपेंड करता है कि आपको कितना लिखना है। लेकिन जो मैं उसके साइड पर मंडाला आर्ट करती हूँ या कोई पेंटिंग बनाती हूँ, तो उसमें घंटा डेढ़ घंटा लग जाता है। तो क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें होती है? ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती है, जैसे कि मैं मार्कर्स यूज़ करती हूँ, कलर्स यूज़ करती हूँ, या इंक पॉट कलम चाहिए तो आप लिख सकते हो आराम से। तो जो ये कैलीग्राफी करना चाहता है, जिनके दिल में शौक है या जिनकी ये हॉबी है कि वो करना चाहता है, आपकी क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? मैं ये कहूँ कि अगर आपको लगता है कि आप कैलीग्राफी कर सकते हो तो आप करो, आप ये मत कहो कि मुझे नहीं आएगा। मुझे भी एक टाइम पे नहीं आता था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस की, जब मैंने सीखा वहाँ से, यूट्यूब से या कहीं से भी, किसी से भी, मुझे आया, तब जाके मैं यहाँ पहुँची। इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग भी अपने इस टैलेंट को बाहर लाए, लोगों के सामने लाए, ये मत सोचे कि लोग आपको जज करेंगे या कुछ, उन सब चीज़ों को इग्नोर करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो जैसा कि आजकल आप देखते हैं कश्मीर में जो है टैलेंट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, गवर्नमेंट जो है वो स्टेप ले रही है कि जहाँ पर एग्जीबिशन होता है, चाहे वो पेंटिंग के हो, किसी के हो, आप क्या गवर्नमेंट को कहना चाहती कि कैलीग्राफी के भी जो है उसके भी आगे जाके एग्जीबिशन्स होने चाहिए? मैं यही कहूँगी कि एग्जीबिशन्स होने चाहिए, जैसे कि मैंने बहुत सारे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए। मैं चाहूँगी कि कैलीग्राफी को भी एक अलग फील्ड समझकर उसे लोगों के सामने पेश किया जाए, पेंटिंग को एक्सक्लूड करके अलग उसके रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स रखे जाए, ताकि ये भी लोगों को लगे कि नहीं, ये भी कुछ है, ये नई चीज़ है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे एंसेस्टर्स ये काम करते आए और हम लोग भूल चुके हैं इस चीज़ को हम फ्लोरिश करें, इनक्रेज करें, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे इनिशिएटिव्स ले। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ थी मिस जायका, जिनका ये कहना है कि जो हमारा टाइम है हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर जो खसूसियात है हमें वो उभार कर बाहर लानी चाहिए और अपनी सोसाइटी को सर्व करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहिए। तो नाज़रीन, ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहे ग्लोबल कश्मीर के साथ। दीजिए मुझे शाइस्ता मीर को इजाज़त। अल्लाह के बाद।